बोलो ऐसे लेट जाओ किसक गए लेट हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और टाइटल थंबनेल देख करके लग गया होगा कि इसमें हम कमर में इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाते हैं, क्या सही तरीका है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी पेशेंट को अगर उसके जोड़ों में जॉइंट पेन रहता है या फिर उसके पैरों में टिंगलिंग्स रहती है, नंबनेस रहती है, नंबनेस मतलब सुन्नपन रहता है, तो उस टाइम पर हमें कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। तो इसमें हम न्यूरोकाइंड गोल्ड आता है, B12 या फिर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन आते हैं, विटकोफॉल आता है या फिर न्यूरोकाइंड गोल्ड आता है या फिर एम्बियन प्लस आता है। तो ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से आप कौन सी कंपनी का या कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मरीज के लिए कॉस्टली ज़्यादा ना हो तो उसके हिसाब से दें। बाकी ये इंजेक्शन जितने भी हैं डॉक्टर की सलाह से या उनके देख रेख में ही दें, क्योंकि ये इंजेक्शन के जब रिएक्शंस होते हैं तो उस टाइम पर कोई भी छोटी पर्ची वाला या झूला छाप इन्हें बचा नहीं पाता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी सारी चीज़ें सारे तौर तरीके सही सलामत और सही तरीके से करने चाहिए, जिससे पेशेंट हमारा सही सलामत रहे और ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। आगे इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कमर में कहाँ पे किस जगह पे लगाया जाता है, जैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होता, सूजन नहीं आती नहीं। बाद में बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि पेशेंट को लगता है कि अरे डॉक्टर साहब आपने सुई लगाई थी और वो मुझे अभी तक 2 महीने तक दर्द हो रही है। फिर हम उसे बोलते हैं सेकाई कर लो, ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, हिपेरिन की क्रीम लगा दो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपका लगाने का तरीका गलत है या फिर आपकी जो इंजेक्शन्स है वो कंटेमिनेटेड है या फिर आपने कपड़े के ऊपर से लगा दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन वीडियो में यही चीज़ें सिखाता हूँ। तो कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते, चलिए वीडियो देखते हैं। बाकी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर ये वीडियो आप कैसे भी क्यों ना देख रहे हो, चलिए वीडियो देखते हैं। Yeah.